सर आपका क्या नाम है सर मेरा किशन निषाद नाम है जी आप कहाँ से आए हैं सर मैं लखनऊ यूपी से हूँ सर आप क्या काम करते हैं काम सर जी राजगिरी का काम करता हूँ सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या कोई गुरु बना रखा था जी जय गुरुदेव पंथ तुलसीदास जी से नाम उपदेश ले रखा था और उस भक्ति को पंद्रह साल तक किया लेकिन सर जी कोई लाभ नहीं हुआ और हानि ही होती रही उस भक्ति को करते करते सर जी मेरे बवासीर हो गया और बहुत इलाज कराया तीन साल तक सर जी लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ऐसे आए कि एक भगत पंजाब में, में मेरे भाई साहब को सतलोक आश्रम बरवाला से जाके मुलाकात हुई पंजाब में और संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से जो भगत मिले भाई साहब को फिर वो ज्ञान बताया और कहा कि आप जो भक्ति जय गुरुदेव संत तुलसी दास जी की करते हो वो शास्त्र के विरुद्ध है और शास्त्र के अनुसार भक्ति जब तक नहीं करोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा फिर इस बात को सुन के भाई साहब ने उन भगत जी से कहा कि भाई हमारा ज्ञान सही है हम अपने जगह पे सही हूँ और आप अपना ज्ञान को करिए मैं अपना ज्ञान फिर भाई साहब उनकी बात को नहीं माना एक महीना हो गया भगत जी ये चर्चा करते फिर एक महीने के बाद भाई साहब ने तैयार हुए और बोले भगत जी ठीक है जब ऐसी बात है तो हम आपके यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में चलेंगे और फिर समझने के बाद नाम उपदेश ले लेंगे फिर भगत जी उनके बताए हुए ज्ञान को सुन के हमारे भाई साहब फिर सतलोक आश्रम बरवाला गए और वहाँ से उन्होंने नाम उपदेश ले लिया नाम उपदेश लेने के बाद फिर घर पे फ़ोन करा फ़ोन करा तो बताया कि पापा जी से कि पापा जी आप सतलोक आश्रम बरवाला में आ जाओ क्योंकि उस समय में, में पापा जी बहुत बीमार रहते थे और बीमारी उनकी ठीक नहीं होती थी और वो वो पैंतीस साल तक उसमें जो है संत तुलसीदास जी पंत से वो नाम उद्देश्य ले रखा था और एकदम भगत जी वो तीन साल तक बीमार थे कंटिन्यू और यहाँ तक कि भगत सर जी वो चल फिर नहीं पाते थे और उस समय में जब भाई साहब फ़ोन किया तो पिताजी ने कहा कि ठीक है अगर वो तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप हैं तो आप नाम उद्देश्य ले लो और मैं भी आऊँगा लेकिन अभी नहीं आऊँगा जब ज्ञान को समझ लूँगा तब मैं आऊँगा इस बात को भगत जी जब मैं सुना मैं भी घर ही पे था और जब ये ज्ञान सुना तो भगत जी हमको भी रहा नहीं गया ज्ञान सुन के और उसमें भगत जी भाई साहब हमारे जो यहाँ से भक्ति जो लिए थे बोले कि आप घर पे जो घट रामायण रखी हुई थी उसमें देखो कि जो हम लोग साधना पहले करते थे संत तुलसीदास जी का वो शास्त्र के विरुद्ध है और वो काल की भक्ति है फिर हमने तुलसीदास हाथरस वाले की घट रामायण निकाली और उसमें जैसे भाई साहब ने बताया वैसे हमने उसको देखा तो ज्यों का त्यों मिला उसमें लिखा था कि अंतर गुफा जहाँ चले जाऊँ तहाँ साहिब के दर्शन पाऊँ पाँचों नाम काल के जानो तब दानी मन आनो भगत जी ये प्रमाण देख के फिर पैर के नीचे से धरती खिसक गई फिर उस ज्ञान को भगत जी हम नहीं कर पाए अभी आपने बताया कि आपने जय गुरुदेव के पंत तुलसीदास जी से नाम दीक्षा ले रखी थी तो उन्होंने आपको क्या नाम दे रखा था नाम वो ज्योत निरंजन ररंग सोह सतनाम पांच नाम वो वहाँ से मिला हुआ था तो ये भक्ति करने से क्या आपको कोई लाभ मिला उस साधना से सर जी कोई लाभ नहीं मिला और नहीं तो बल्कि हानि हानि होती जा रही थी सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आय भगत सर जी अट्ठाईस ग्यारह दो हज़ार तेरह को नाम उपदेश लिया था सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से नाम उपदेश लेने के बाद प्रथम लाभ तो आध्यात्मिक हमको हुआ जो जो मुक्ति मार्ग मिला और सभी शास्त्रों के अनुकूल साधना हमको यहाँ से तत्व तो संत रामपाल जी महाराज शतलोक आश्रम बरवाला से प्राप्त हुआ और एक लाभ हुआ था सर जी कि शारीरिक लाभ भगत जी हमको जय गुरुदेव पंथ से पंद्रह साल तक भक्ति करते थे करते हो गया था और उस भक्ति को करते करते बीमारी लग गई जो बाबा शिर चेकअप कराया तो बाबा शिर डॉक्टर ने बताया फिर उसको इलाज करवाने से कोई फायदा नहीं होता था फिर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ नाम उद्देश्य लेने के बाद वो बीमारी तीन चार महीने में ही बिना इलाज का एक भी रुपए का इलाज नहीं कराया और बीमारी ख़त्म हो गई तीसरा लाभ मेरे को ये हुआ कि एक दिन सेटरिंग कर रहा था सेटरिंग तीसरे मंजिल की थी और सेटरिंग करते करते सेटरिंग दो तीन फीट खिसक गई सेटरिंग खिसकते खिसकते दो तीन फीट जब गई तो हमारे मुख से निकला हे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जब ये मुँह से निकला डर के मारे मेरी आंखें बंद हो गई थी और आंखें बंद हुई और जब आंखें खुली तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे सामने खड़े हुए पाए और वो हमको मृत्यु से जो है बचा लिए नहीं उस दिन तो हमारी मृत्यु निश्चित थी लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में होने की वजह से हमको परमात्मा ने ये लाभ दिया चौथा लाभ ये हुआ पिताजी हमारे जयगुरुदेव पंथ में लगभग तीस साल से भक्ति करते थे उस भक्ति को करते करते वो भी काफ़ी बीमारियों से घिरे हुए थे इलाज इधर उधर बहुत कराया लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था मेरे पिताजी को बीमारी फ्रायलाइसिस थी सर जी वो चल नहीं पाते थे चलने फिरने में बहुत असमर्थ थे एक ही जगह एक ही बिस्तर पे पड़े रहते थे फिर जब उन्होंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए और नाम उपदेश लिया उनकी बीमारी ठीक हो गई और आज अच्छा हैं और स्वस्थ हैं और अपना पूरा काम कर लेते हैं सर अभी आपने बताया कि आप जय गुरुदेव पंत तुलसीदास जी से जुड़े हुए थे फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज के बताई हुई साधना और तुलसीदास जी की बताई हुई साधना में क्या फर्क नजर आता है जय गुरुदेव पंथ में जो भक्ति मिली थी उस भक्ति का कोई प्रमाण नहीं था और वो शास्त्र के विरुद्ध था और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान था ये शास्त्र के अनुकूल था और हमको लाभ वहाँ मिलता कैसे क्योंकि जय गुरुदेव पंथ की जो भक्ति थी वो शास्त्र के विरुद्ध थी इसलिए कोई लाभ नहीं मिलता था और वो जानकारी तद संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में सतलोक आश्रम बरवाला जब आए और नाम उपदेश लिया तब शास्त्रों का ज्ञान हुआ और शास्त्रों के अनुकूल तब भक्ति हमको मिली संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और फिर उससे हमको लाभ मिला हमने मीडिया में सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जब हम लेने जाते हैं तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं ये कहाँ तक सही है भगत जी ये तो सरासर झूठ है ये यहाँ सतलोका आश्रम बरवाला में नाम उपदेश लेने या आने में एक भी रुपये का खर्च नहीं पड़ता है ना ही कोई लेता है और एकदम निःशुल्क यहाँ पर नाम उपदेश भक्ति प्राप्त होती है मतलब एक भी रुपया लिया नहीं जाता है सर आपने बताया कि आप जय गुरुदेव पंच से जुड़े हुए थे पंद्रह साल से फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तो आप भक्ति करते आ रहे हैं तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज लोगों के पास पैसा है गाड़ी है बंगला है सर उन्हें भक्ति क्यों करनी चाहिए भक्ति करने का मेन उद्देश्य है हमारा मोक्ष गति प्राप्त करना क्योंकि अगर गति प्राप्त नहीं हुई तो सब कुछ लगाया और किया कराया सब बेकार होता है क्योंकि जब तक हम प्रमाणित तो भक्ति नहीं मिलेगी तब तक चाहे जितना दान करें और चाहे जितना कुछ करें सब व्यर्थ है सर यदि कोई आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकते हैं सर संत रामपाल जी महाराज आज के समय में बहुत तो अच्छा व्यवस्था बना रखा है जो कि टीवी चैनल पे सत्संग आता है और उसके नीचे एक पट्टी चलती है उस पट्टी पे लिखा होता है सतलोक आश्रम बरवाला और फोन नंबर्स होते हैं उस नंबर को कॉन्टैक्ट करके आप अपने नज़दीकी क्षेत्र से संपर्क करके और वहाँ से ज्ञान को समझ के आप नाम उपदेश ले सकते हैं सर आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं जन समुदाय को मैं संदेश तो नहीं पर विनती करता हूँ कि गति प्राप्त करने के लिए और अपना परम स्थान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें और अपना कल्याण कराएं और ख़ास करके उन अपने जय गुरुदेव पंथ से जो भाई भक्ति कर रहे हैं उनको हम करबद्ध हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें और अपना कल्याण कराएं क्योंकि उसमें हम भी पंद्रह साल रह के भक्ति किया और मेरे पिताजी भी लगभग तीस साल उसमें भक्ति किए जय गुरुदेव पंथ तुलसीदास जी लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ और उनको लाभ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आके नाम उपदेश लिया और उनका जो है बहुत लाभ है और आप लोग भी आके नाम उपदेश लेके अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद